सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो पे जो रिएक्शन है वो किसी गाने पर नहीं, मूवी के ट्रेलर पर है। और ये मूवी का जो नाम है वो सलार है। सो प्रभास है इसके अंदर। जैसे कि बात करें इस मूवी के ट्रेलर की, तो भाई दासु आउटस्टैंडिंग। और KGF मूवी जिसने मेक करी थी, इनकी जिसने बनाई थी, उन्होंने ही इस मूवी को बनाया है। सो मुझे ऐसा लगता है कोई वो सेम ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम इस मूवी के अंदर शो किया गया है। और वही ब्लैक डार्क प्लेस जो कि KGF में हम देख चुके हैं, और वही फायर, वही जो साम्राज्य है, जो कि एक पर्टिकुलर साम्राज्य बनाया जाता है किसके लिए, कहते हैं ना एक राज करने के लिए, तो वही चीज जो है शो हो रही है। सो बात करते हैं प्रभास की। जब उनकी एंट्री हुई इस ट्रेलर में, तो भाई मेरे तो हाथ जो है ठंडे हो गए और घूस वो मारने लग गए, क्योंकि उनकी फाइटिंग, जब भी इस तरह की मूवी देखते हैं, इनकी फाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग वगैरह देखने को मिलती है, जो कि सीन काफ़ी अच्छे हैं। और ये सीन जो है वो हॉल पर ही देखने में जो मज़ा आता है ना, उसका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल मज़ा होता है। सो इस ट्रेलर से तो हमें ये पता लग गया इस मूवी में हमें फाइटिंग एक्शन जो है वो ज़बरदस्त भरपूर देखने को मिलेंगे। सो मुझे तो ये जो ट्रेलर है वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़बरदस्त लगा। और सीन जो था वो लास्ट का, जब प्रभास ऐसे खड़े होते हैं और पीछे से जो है तनी चक्कू थे, तनी क्या थे, वो बड़े बड़े तलवारें, वो जो सीन था वो काफ़ी अच्छा लगा। तो लास्ट में यही शो किया गया है, ये पार्ट फर्स्ट है। और जब भी मूवी आएगी तो देखते हैं इस मूवी के अंदर क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, यानी स्टोरी किस तरह की होगी। क्योंकि स्टोरी वाइज देखा तो इसमें वही कुर्सी के लिए ही, जो सत्ता के लिए, कुर्सी की सत्ता के लिए जो लड़ाई थी KGF में, वही चीज़ इस स्टोरी में भी शो की गई है। पर मूवी देख के पता लगेगा कि डिफरेंट स्टोरी है या सेम स्टोरी है। सो यही था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।